वो सरकार निकम्मी है। यदि तेरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और गांव-गांव, गली-गली में उत्तर प्रदेश में धूम मची हुई है समाजवादी पार्टी की। कहना है मेरा, अरे घर घर चाकर अलख जगा लो और कह दो उन दीवानों से एवं अरस्थाई किले की सरकार बनेगी पूरे और जवानों से। साइकिल की सरकार बनेगी पूरे और जवानों से। क्यों सरकार बनाएगी? अरे सरकार तो बननी है, भारी बड़ा भारी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है चुनाव में। साइकिल की सरकार बनेगी बूढ़े और जवानों से। समाजवादी का यूपी में अब भी भारी है हल्ला और भारी भीड़ दिखे रैली में चिल्लाए रे लल्ली लल्ला हाँ चिल्लाए रे लल्ली लल्ला हाँ चिल्लाए रे लल्ली साइकिल की सरकार बनेगी बूढ़े और जवानों से। साइकिल की सरकार बनेगी बूढ़े और जवानों से। और लिखा मैंने, अरे जब से ये बीजेपी आई दिन दिन बढ़ गई महंगाई और नौजवान रोडों पे घूमे नाई नौकरी मिल पाई हाँ नाई नौकरी मिल पाई। अरे जब से ये बीजेपी आई दिन दिन बढ़ गई महंगाई और नौजवान रोडन पे घूमे नाई नौकरी मिल पाई उन नाई नौकरी मिल पाई उन नाई नौकरी मिल पाई। समाजवादी जब सरकार होगी ना तब मुफ्त पढ़ाई मुफ्त सिंचाई मैंने सुनी है अपने कानों से। मुफ्त पढ़ाई होगी, अरे मुफ्त सिंचाई होगी। साइकिल की सरकार बनेगी पूरे और जवानों से।
अब किस पास सरकार बचेगी बूढ़े और जवानों से। अब हमारे पास बैठे हुए हैं को रिकॉर्ड करवाने मानवर राघवेंद्र यादव युवा सपा नेता और जिला अध्यक्ष योगेंद्र यादव, नवाब सिंह यादव सांसद प्रतिनिधि और विधायक जी तार हुसैन सिद्दीकी कन्नौज और विधायक जी के सुपुत्र जुनेद सिद्दीकी जो जिला पंचायत सदस्य हैं वर्तमान में, प्रदीप कुमार भोजपुर वाले और लला नीरज गौर गन्ना। अब किस पास सरकार बनेगी बूढ़े और जवानों से। अरे जाति न जीत सपा की हो पे बिजली फिरी चलाएंगे और समाजवादी जीतेगी ना। अरे चाहते ना जीत पाती हो गए बिजली फ्री चलाएंगे और भूखा नहीं मरे कोई सब को रोजगार दिलाएंगे सब को रोजगार दिलाएंगे सब को रोजगार दिलाएंगे। अरे पति जाते सब मेरे भैया पति जाते सब मेरे भैया इज्जत साइकिल की सरकार बनेगी बूढ़े और जवानों से। कहना है सभी भक्तों से
माधव कैसे खिरो डिमांड हो रही। अच्छा